बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जीआईएमएस के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास। सिवान में बैंक को लूटने की योजना बना रहे 3 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। 2 अपराधी बाइक लेकर भागने में रहे सफल। 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 4 मोबाइल व 2 बाइक बरामद। जिले की पुलिस ने शनिवार को अपराह्न में बसंतपुर थाना क्षेत्र के शहर कोला स्थित ग्रामीण बैंक को लूटने की योजना बना रहे 3 अपराधियों को दबोचने में पुलिस कामयाब रही। इस दौरान 2 अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे हैं, परंतु पुलिस दोनों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हमारे संवाददाता परवेज अख्तर के अनुसार छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने गोरिया कोठी के छितौली निवासी सीमान सिंह, मझरिया निवासी गोलू सिंह व बसंतपुर थाना क्षेत्र के मौलापुर निवासी शेखर गुप्ता को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 2 जिंदा गोली, 2 चोरी के मोबाइल बरामद कर जब्त किया लिया। मालूम हो कि पुलिस को बीते कई दिनों से 500 अपराधी द्वारा शहर कोला ग्रामीण बैंक के रेकी करने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। महाराजगंज एसडीपीओ पुलस कुमार ने एक टीम का गठन कर रेकी में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। उनके निर्देश पर टीम में शामिल गोरियाकोठी थानाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार, बसंतपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, भगवानपुर थानाध्यक्ष संजीव कुमार, जीबी नगर इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार, दरौंदा थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। इसी बीच सूचना मिली कि 5 अपराधी एक साथ मोफोड़ा के समीप एकत्रित हैं। इसके बाद टीम में शामिल थानाध्यक्षों ने एक साथ छापेमारी कर टीम को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, 2 भागने वाले अपराधी व पल्सर बाइक की भी पुलिस ने पहचान कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। न्यूज़ अलग तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।